कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अप्रूव होने के बाद भी उसकी पर्याप्त डोज उपलब्ध कराना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। भारत में टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है और इसमें राज्यों से भी इनपुट्स मांगे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि सरकार जुलाई 2021 तक 40-50 करोड़ डोज हासिल करने की उम्मीद कर रही है। इसमें 20-25 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा, यानी सरकारी अनुमान के हिसाब से जुलाई तक केवल 20% आबादी को ही वैक्सीन मिल पाएगी। भारत की वर्तमान जनसंख्या 130 करोड़ बताई जाती है। भारत में 3 वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल के दूसरे और तीसरे दौर में है। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वैक्सीन के भंडारण और टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर फ्रेमवर्क तैयार करने के अंतिम चरण में है। हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन एक बार डेटा वैलिडेट हो जाए तो वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में देरी का कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी पूरा प्लान बना रही है। किस देश की वैक्सीन कब उपलब्ध होगी, फार्मा कंपनियों से उनकी वैक्सीन के बारे में जानकारी लेना और भारत में पर्याप्त टीके मुहैया कराना इस कमेटी का जिम्मा होगा। इन्वेंटरी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। वैक्सीन के कंसाइनमेंट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी और ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दी जाएगी। केंद्र सरकार वैक्सीन हासिल करने के बाद राज्यों को डोज भेजेगी। राज्यों को वैक्सीन की स्टोरेज और टीकाकरण का इंतजाम करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार वैक्सीन 2021 की तीसरी तिमाही से ही उपलब्ध हो पाएगी। उन्होंने बताया कि राज्यों से ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी गई है जिन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा कि शुरुआती डोज डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल्स जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलेगी। वैक्सीन केंद्र सरकार हासिल करेगी, इसलिए राज्यों से कहा गया है कि वे वैक्सीन निर्माताओं से कोई डील न करें। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।